हेलो इंजीनियर्स, जी शुभ संध्या। तो आज आपके लाए हैं एक बहुत ही बढ़िया गैजेट, जो कि होगा कि आपके हाथों पे जो टैटू रहेगा उसी टैटू के मदद से आप पासवर्ड रख सकते हैं। इसी टैटू को हम लोग पासवर्ड रख सकते हैं और इसी के मदद से दरवाजा को भी ओपन कर सकते हैं। ये बहुत ही एक बढ़िया और न्यू टेक्नोलॉजी है। तो चलिए, इस गैजेट को किस प्रकार से हम लोग घर पे आसानी से बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, PCB डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक प्रोक्सीमेटरी सेंसर के बारे में जानना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि IR सेंडर और IR रिसीवर जो है वो क्या करते हैं, IR जो सेंडर है वो सेंड करता है और रिसीवर रिसीव करता है। तो किसी जगह पे व्हाइट कलर का कोई भी चीज़ पर जब रिफ्लेक्ट होगा तभी ये काम करेगा। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करके ये पासवर्ड वाला डोर लॉक हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लैक कलर है और व्हाइट कलर है। जब भी ब्लैक कलर पे ला रहे हैं तो ये वाला लाइट ग्लो नहीं कर रहा, देखिएगा। तो यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा। जब भी व्हाइट पे ला रहे हैं तो ये ग्लो कर रहा है। फिर से देखिए, इस तरह ये ऑन ऑफ कर रहा है। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करके बहुत सारे IR रिसीवर और IR जो कि सेंडर है उसको हम लोग लगाएंगे। लगाने के बाद इसके ज़रिए पासवर्ड वाला हम लोग डोर लॉक बना सकते हैं। तो चलिए, अभी ये प्रोजेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं वो आप हम लोग सीखते हैं। तो अभी देखिए, ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो इसी सर्किट को यूज करके हम लोग जो कि सेंसर बनाएंगे, जो सेंसर पे हम लोग बारकोड डालेंगे, तो वो सेंसर हम लोग IR रिसीवर और IR सेंडर से हम लोग बनाएंगे, 10 फिट करेंगे। आप चाहे तो 12, 14, 15 कोई भी आप फिट कर सकते हैं। जितना बड़ा होगा उतना स्ट्रांग होगा आपका पासवर्ड। तो अभी चलिए, पहले हम लोग प्रॉक्सिमेटरी सेंसर को बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर फिट करेंगे। तो अभी ये जो प्रोक्सीमेटरी सेंसर है इसको मैंने अभी कंप्लीट कर दिया है। तो इसके अंदर मैंने फिट किया है 10 IR सेंडर और IR रिसीवर, दोनों को मिलकर 20 होगा और प्रोक्सीमेटरी सेंसर 10 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को एक साथ, दो को मिला के एक होगा। इस प्रकार से मैंने 10 फिट किया है। तो इसको हम लोग अलग से पासवर्ड डालेंगे। वो पासवर्ड किस प्रकार से डालेंगे, ये जो आप बारकोड आप देख रहे हैं, इसी बारकोड के जरिए मैं पासवर्ड इस पे डालूंगा। तो यहाँ पे जब भी ब्लैक होगा, ब्लैक मतलब 0 काउंट होगा और व्हाइट की जगह पे 1-1 करके काउंटिंग होगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे स्कैन करेंगे और जिस प्रकार से मैंने बारकोड डाला है उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग को मैंने सेट किया है और इस पर डालने पर ये खुल जाएगा। तो ये बारकोड जो है वो मैंने मेरे तरफ से, मतलब मैंने जिस प्रकार से बनाया है उसी का सिस्टम है। आप चाहे तो ये अलग से और डिजाइन के मदद से आप कर सकते हैं। मतलब मैंने जिस प्रकार से 0110100010 करके बनाया है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी इसको हम लोग फिट करेंगे सर्किट के माध्यम से।
तो फिट करके हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए अभी फिट करके टेस्ट करते हैं। तो अभी ये सर्किट कंप्लीट हो गया है, तो आपको इसका बेसिक मैं समझा देता हूँ किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रोकंट्रोलर मैंने लगाया है, इसी माइक्रोकंट्रोलर के जरिए ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 प्रॉक्सिमेटरी सेंसर यहाँ पे लगाया है, जिसके मदद से पासवर्ड वाला हम लोग काम करेंगे। किस प्रकार से पासवर्ड करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे जब भी प्रॉक्सिमेटर के सामने ब्लैक कलर आएगा तो ये वाला काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो कि डाटा होगा वो जीरो होगा, तो ये माइक्रोकंट्रोलर जीरो इनपुट ले लेगा। उसके बाद जो होगा वो होगा व्हाइट, तो इसमें से डाटा इनपुट होगा, मतलब ये माइक्रोकंट्रोलर वन ले लेगा। उसके बाद दोनों को मैंने जीरो कर दिया, उसके बाद वन जीरो ये मैंने मेरे तरीके से मैंने किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो बारकोड मैंने फिट किया है, बारकोड को मैंने जो कि पहले वाले एलईडी के एक ब्लैक कलर है, उसके बाद एक दो तीन तीन नंबर तीन जो है उनको मैंने जीरो कर दिया। उसके बाद जो है वो ब्लैक कलर होगा, उसके बाद फिर से व्हाइट कलर, उसके बाद दोनों को ब्लैक कलर, उसके बाद एक व्हाइट कलर एक ब्लैक कलर। इस प्रकार से मैंने मेरे डिज़ाइन से पासवर्ड किया है। आप अपने तरीके से पासवर्ड इस पर डाल सकते हैं, डालने के बाद माइक्रोकंट्रोलर पे आप प्रोग्रामिंग पे वो पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैं कागज़ को यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ये काम करेगा। तो अभी ऑन करता हूँ, तो अभी ऑन हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो कागज़ है इसको मैं यहाँ पे डालूँगा, ये काम करेगा। तो देखा आपने, कागज़ को डालने पर ये काम करे, मतलब बारकोड इस पर लगने के बाद ये काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं डालूंगा तो काम नहीं करेगा, जब भी ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो काम करेगा। देखा आपने, तो इसी तरह ये काम कर रहे हैं। तो इसी स्टाइल से मैंने हाथ पे टैटू कर लिया है, जो कि हाथ जब भी इस पर डालेंगे तो ये काम करेगा। तो अभी चलिए मैं दरवाजे पे इसको फिट करके हाथ को डाल के आपको दिखाता हूँ। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक टैटू वाला पासवर्ड हम लोग घर पे बना सकते हैं। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।